75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और ऐसे लोग जो पूरे विश्व में हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, जो आज इस स्वतंत्रता दिवस को पूरे विश्व भर में आयोजित कर रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना दिन उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज हमें आज़ादी मिली थी और उसके बाद हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैचारिक क्षेत्र हो, उसमें बढ़ोतरी करने का मौका मिला। सदियों की गुलामी की जंजीरों के बाद जो हमें आज़ादी मिली वो बेशकीमती है, लेकिन वो आज़ादी ऐसे ही नहीं आई। लाखों हमारे पूर्वजों ने कष्ट झेले, जेल गए, फांसी पर लटे, अपनी जान दी, उसके बाद ये आज़ादी मिली। और आज़ादी के मायने क्या होते हैं ये हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। गुलामी क्या थी और आज़ादी के क्या मायने थे ये उन लोगों से पूछो जो 85 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि 85 साल का मतलब उस समय वो 10 साल का रहा होगा, थोड़ी सी अनुभूति उसे आज़ादी की जरूर हुई होगी। जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बात करते हैं तो आज भी अगर वो 95 साल के भी हैं तो उनमें एक 15 साल के युवा की ऊर्जा जागृत हो जाती, उत्पन्न हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि आज़ादी क्या थी, कितने कष्टों से मिली थी, कितने त्यागों से मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 75 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, और 75 साल के अगर हम पिछले 30-40 साल भी देखें, मैं 30-40 साल इसलिए कह रहा हूं कि वो साल मैंने देखे हैं, कोई 50 वर्ष का है तो उसने 50 साल देखे हैं, और कोई 60 का है, 65 का है तो उसने वो 60 साल देखे हैं प्रगति के। देश ने बहुत तरक्की की है, और ये तरक्की तब की है जब हमें विरासत में